वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में मैं एक बार फिर से आपके लिए एक प्रोडक्ट का रिव्यू लेकर आई हूँ। और आज जो प्रोडक्ट है वो एक्चुअली स्किन केयर रिलेटेड प्रोडक्ट है। आज मैं किसी भी मेकअप प्रोडक्ट का रिव्यू नहीं दूंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप न्यू हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, उन्हें शेयर भी कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए। मैं जो वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, जिस प्रोडक्ट का रिव्यू आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, वो है गार्नियर का फेस मास्क। तो ये देखिए, ऐसा मैंने 3 खरीदा है, ये 2 है, ये 1 है। और ये मुझे आपको कुछ 99 रुपीस पर मास्क आया है। मैंने 3 खरीदा है, मैंने बताया ये 2 है और ये 1 है। तो ये जो गार्नियर का जो मास्क है, सीरम मास्क है ये एक्चुअली, तो ये जो सीरम मास्क है ये लाइट कॉम्प्लीट है और ये सुपर हाइड्रेटिंग ब्राइटनिंग टिश्यू मास्क है। तो इन दोनों के बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो आज मैं इसको यूज़ करने वाली हूँ, तो मैं इसके बारे में पहले आपको बताती हूँ। ये मार्केट में काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, 99 रुपीज़ में आपको सीरम मास्क मिल रहा है, तो ये काफ़ी अच्छा डील है। और इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस मास्क में, इसका पूरा नाम है पहले गार्नियर स्किन नेचुरल्स न्यू सीरम मास्क हाइड्रा बॉम्ब, जो है ये वाटर बेस्ड मास्क है। मतलब इसमें हियलोरोनिक एसिड है और एक जो जितने भी इंग्रेडिएंट्स है, इस इंग्रेडिएंट्स की हेल्प से आपका जो डल स्किन है वो एकदम इसको यूज़ करने के बाद थोड़ा हाइड्रेट हो जाएगा। प्लस ये फ्री ऑफ मिनरल ऑयल एंड पेट्रोलियम है, जिसमें जो नॉन ग्रीजी फार्मूला जो होता है इस शीट मास्क में वो यूज़ किया गया है, जिससे स्किन को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके अलावा जो ये हाफ अ बॉटल ऑफ हाइड्रेटिंग सीरम स्किन जो मास्क है, ये इसमें कम से कम हाफ अ बॉटल सीरम रहता है, जो कम से कम 1 वीक तक आपका, जितना सीरम आप पर डे यूज़ करते हैं तो आप 1 वीक तक जो सीरम आप यूज़ करेंगे तो उसका ये फ़ायदा आपको देगा। यानी एक मास्क इज इक्वल टू 1 वीक। तो जो आप एवरीडे सीरम यूज़ करते हैं वो आपको नहीं यूज़ करना, बस वीकली आपको एक बार ये फेस मास्क जो है, फेस मास्क शीट आपको वो यूज़ करना है। और इसमें 2 चीज़ और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एक है कैस्टर ऑयल और दूसरा है ग्लिसरीन। ये दोनों जो है वो स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा ही हेल्पफुल है, जो स्किन को मतलब नरिश करते हैं, इस तरह का ये दोनों इंग्रेडिएंट्स हैं। ये आपका जो फेस से, एवरीडे फेस से जो मॉइस्चर लॉस हो चुका है इसको प्रिवेंट करता है ये, साथ ही साथ स्किन पर एक ग्लो जैसा आएगा, जैसे सीरम को यूज़ करने के बाद एक ग्लो आता है, उस तरह का आपको ये मास्क सीट यूज़ करने के बाद वो ग्लो आएगा। और ये सुपर हाइड्रेटिंग री प्लम्पिंग टिश्यू मास्क है। ये क्या काम करता है, ये डिहाइड्रेटेड स्किन जो होता है, जो धूल पोल्यूशन गंदगी इन सब वजह से डिहाइड्रेट हो चुका है, उसको ये फिर से इसकी डिहाइड्रेशन कम करता है। 1 मास्क इज इक्वल टू 1 वीक ऑफ सीरम। तो मतलब एक मास्क जो ये पूरा आप यूज़ करेंगे वो 1 वीक तक आपको इसका मतलब वर्क करेगा। प्लस ये डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है और ये सुटेबल फॉर सेंसिटिव स्किन वाले भी जो हैं वो इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि पहले यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इसका बार कोड है, जिसको आप स्कैन करके देख सकते हैं कि ये प्रोडक्ट ओरिजिनल है या फेक है। इसके अलावा इसकी क्वांटिटी यहाँ पर है जो 32 ग्राम्स है। नॉर्मली जो फेस मास्क शीट होता है उसकी क्वांटिटी 20 ग्राम्स की होती है, लेकिन इसकी देख रहे हैं आप कि 32 ग्राम है। इसके अलावा यहाँ पर आपको ये जो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं वो छुप चुके हैं, लेकिन मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो में मैं बताऊंगी कि इसके क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं।
अच्छा, यहाँ पे कुछ इसके फायदे भी लिखे हुए हैं कि ये स्किन को जो है रिवाइटलाइज्ड करता है, कॉम्प्लेक्शन को मोर रेडिएंट करता है, स्मूथर करता है, प्योमर करता है, और साथ ही साथ ये इसमें कैलकुलेटेड फ्रॉम द एवरेज रेट ऑफ ग्लिसरीन इन गार्नियर, इसमें ग्लिसरीन भी है जो आपके चेहरे को फिर से नरिश करती है। तो ये टोटल इसके ये फायदे हैं, और ये सिर्फ आपको 99 रुपीज़ का आता है, तो इट्स अ मस्ट बाई प्रोडक्ट। तो इसका तरीका इसमें ये लिखा हुआ है कि पहले आपको इस तरह से फेस शीट निकालना है, फिर इसको अप्लाई करना है, उसके बाद एक ऊपर में एक ब्लू शीट रहेगा उसको निकालना है, फिर एडजस्ट करके अपने स्किन पे लगाना है, और उसके बाद 15 मिनट तक इसको रखना है, और इसके बाद वो जो शीट है उसको हटा के बाकी जो फेस पे सीरम रह गया है आप उसको ब्लेंड कर लीजिए अपने फिंगर की हेल्प से। अच्छे आजकल इतनी पॉल्यूशन हो गई है, इतनी ज़्यादा धूल है, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है लोगों को, फेस स्किन केयर का जो रूटीन है मेंटेन करना मुश्किल हो रहा है, तो वीकली अगर हमारे पास टाइम है और अगर हम इसे यूज़ कर रहे हैं तो इसमें हमारा ही फायदा है। ये क्लेम करती है कि ये डल स्किन है जिनका, और जिनका जो डार्क स्पॉट्स आ गया है, पहले अल्हम्दुलिल्लाह मेरे चेहरे पे उतने डार्क स्पॉट्स नहीं है, लेकिन जिनके डार्क स्पॉट्स आ गए हैं वो इस चीज को जरूर यूज करें, क्योंकि इसको यूज करने के बाद ये जो सीरम मास्क है ये उन डार्क स्पॉट्स को वो कम कर देता है, और उसके बाद स्लोली स्लोली वो वीक में वो डार्क स्पॉट्स जो है वो चले जाते हैं। हाइलोरोनिक एसिड, विटामिन सी और लेमन एक्सट्रैक्ट भी शामिल है, जिसकी वजह से लेमन जो है वो आप एज रिंकल्स को कम करता है, विटामिन सी आपकी स्किन को नरिश करता है। तो जिन लोगों को ये बात पता नहीं है कि हाइलोरोनिक एसिड क्या काम करता है, उन लोगों को मैं बताना चाहूंगी कि जो इस फेस मास्क शीट का जो सबसे मेन इंग्रेडिएंट है वो है हाइलोरोनिक एसिड। तो हाइलोरोनिक एसिड क्या काम करता है? वो ये काम करता है कि वो आपके फेस पे जो एक ढीलापन आ गया है, रिंकल्स आ रहे हैं, ये फेस की जो स्किन है उसको टाइट करती, और साथ ही साथ ये स्किन को पूरा मॉइस्चर के साथ फिल कर देती है, ताकि आपकी स्किन जो है डिहाइड्रेटेड ना लगे। अभी आपको दिख रहा है कि मेरी स्किन काफ़ी ज़्यादा डिहाइड्रेटेड है, तो मैं ये फेस मास्क सीट इसको अभी मैं यूज़ करने वाली हूँ। हीलिंग का भी काम करता है, जो ऊन्स वगैरह को हील करते हैं, तो आपके चेहरे पे अगर कहीं पे एक्ने है या एक्ने आके डार्क स्पॉट्स पड़ चुका है, तो ये जो हाइलोरोनिक एसिड है ये इस चीज़ को ठीक करता है। उससे अगर एक्ने है, फ्रेश एक्ने है एकदम, तो उस एक्ने को ये ख़त्म करता है, और उसके बाद उसके फिर आप जब सेकंड यूज़ करते हैं इस मास्क शीट का, तो फिर इसको ये उस स्पॉट को भगाने में हेल्प करता है। इसको इस तरह से ओपन करेंगे, ये इस तरह से आएगा, और इसके बाद और ये जो व्हाइट, ये ब्लू वाला पार्ट आपको ऊपर रखना है और ये व्हाइट पार्ट आपको नीचे रखना है। तो इसको मैं इस तरह से अप्लाई कर ले रही हूँ, मिनट्स हो चुके हैं और ये मास्क शीट जो है वो ड्राई भी हो चुका है, जो मेरे फेस के हाईएस्ट पॉइंट हैं, जैसे ये हो गया और ये हो गया, ये सारी जगह पे एक खिंचाव सा स्टार्ट हो चुका है। तो चलिए मैं इस फेस शीट को निकालती हूँ। इसको आप चाहे तो इस तरह से अपने हैंड्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा
अच्छी तरह से ब्लेंड कर ले। फेस मैंने वॉश कर लिया है, अब मुझे अभी से दिख रहा है कि मेरा फेस में कितना ज्यादा ग्लो आया है और ऐसा लग रहा है कि जो स्किन है वो एकदम नई सी हो गई है, उसमें एक जान आ गया है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का ये मास्क शीट का रिव्यू। आप देख रहे हैं मेरी स्किन कितनी ग्लोई टाइप की लग रही है, एकदम लग रहा है वाइटनिंग हो चुका है, मेरा फेस एकदम नया लग रहा है। तो मैं बोलूँगी कि वीक में एक बार 100 रुपीज़ आप जो फेशियल कराने जाते हैं, आप चाहे तो घर पे भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं, आपके स्किन पर उतना ही ग्लो आएगा जितना आप फेशियल कराने से आता है। तो आप इस शीट को ज़रूर ट्राई कीजिए, और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।